कोई भी नहीं है लिफ्ट में, फिर भी देखो इस लिफ्ट में क्या हो रहा है। रात के बज रहे हैं 12। वो इसमें कैमरे में दिखाई दे रहा है। नवीन सच में देखो कैमरे में दिखाई दे रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है यार। चलो यार रंजा चले यहाँ से। वो साड़ी ले गया। ये देखो आलू की कचौड़ी, वो भी मैंदे वाली। मैंदे वाली जैसे हलवाई स्टाइल में बनाते हैं ना, जो बेड़े के साथ आलू की कचौड़ी बनती है, जो मैदे वाली वो वाली। पहले मैं हलवाई तो थी। अच्छा वो आपने देखी होगी छगनलाल स्पेशल कचौड़ी जो क्लब है, पर वो आलू की नहीं बनाते हैं, पर वो कचौड़ी ऐसे ही बनाते हैं मैदे मिक्स। हाँ भाई, आज नवीन सुबह सुबह जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा जोमेटो पे छोले भटूरे स्क्रॉल कर रहे थे, देख रहे थे कि छोले भटूरे और कचौड़ी नाश्ता मंगाऊं, तो मैंने कहा लो बना ही देते हैं। अच्छा तो इसलिए आज नवीन की डिमांड में बन रहा है। हाँ रंजना ने बोला कि शुद्ध शुद्ध घर का खाना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में ये चीज़ होती है कि काफ़ी सारी जो ऑयल होता है वो बेकार होता है। ये वाली बात फैक्ट है कि गर्मियों में क्या होता है, जो ऑयल होता है बाहर के ऑयली खाने से और सब चीज़ पेट खराब हो जाता है, और गर्मी में पेट का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, खास करके हम जैसे पेटू राम चटोरे लोगों को। तो इसीलिए रंजना ने बोला कि मैं बना देती हूँ घर पर। सब रखा था मेरे पास सामान, मैदे वगैरह था, तो मैंने रेडी कर दिया, जल्दी से बना दिया। चलो दोस्तों मैं भी खाता हूँ, मैं भी टेस्ट करता हूँ, ठीक है चलो मिलते हैं फिर। बेचारी मेरी कमेरी बीवी अब खाने बैठी है बेचारी को, अब टाइम मिल पाया है खाने का। तो बना के तो खाएंगे, बना के तो खाएंगे, गाने सुनते सुनते खा रही हो। बना के सब रख दिया, दूध पिया और बना के रख दिया, अब खा रही हो। ठंडी हो गई है पर सही लग रही है। अच्छा अब देखो जो बनाने वाला है उसे तो ठंडा ही खाना पड़ेगा। अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रही है। आज तो हमारी नहीं, आज तो हमारी काम वाली दीदी लेट आई, अभी आई थी, मैंने को बोल दिया, मैंने कहा तुम्हारी कचौड़ी बना रही हूँ थोड़ी देर में आना, तो कह रही ठीक है तो बना दो, खा रही हूँ। चलो दोस्तों मैं आपके लिए करता हूँ धमाकेदार, एक धमाकेदार प्रैंक जो कि हुआ था उसकी एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है तो फिर मिलते हैं चलो। क्या हो गया? बच्चे तो समझ में आते हैं आपके बैठने का क्या मतलब है, हैं ये क्या तरीका है? डुगू क्या हो गया तुमको, डर लग रहा है? तो और ज्यादा फिर लगे। आपसे ही बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे आपके बैठने का क्या मतलब है यहाँ पे, हैं पैसा वसूल रहे, पैसा वसूल रहे बच्चा बनने झूले पे बैठे हैं यहाँ पे। डुगू तुमको क्या हो गया? मेरी पेंट गीली हो रही है। तेरी पेंट गीली हो रही है? हाँ? पापा के साथ बैठा फिर भी हाँ? एक जना भारी बैठा हो तो अपने आप तेजी हो जाए। पापा बैठे तो डुगू तुझे झूलने की जरूरत ही नहीं, आराम से अपने आप ही धक्के लग रहे हैं ना। देखा पिताजी का, पिताजी का बचपना याद आ रहा है। सही है। आया तुम झूलो। कहाँ? मैं नहीं झूलूँ, मैं डिनर करके आई हूँ, पेट फुल है मेरा, उल्टी उल्टी हो जाएगी मुझे। आइसक्रीम खिलाऊंगा। हैं? अच्छा झूले बैठूंगी तो आइसक्रीम खिलाओगे? वेरी गुड, बढ़िया। तुम वो देर बेटा मुझे तुम्हारी नीयत सब पता है, जोर से झुला दोगे मुझे पता है। कल डुगू की टांटा फंसोगी तो मैंने एकदम से दो झटके मारे जोर जोर से। अकेले बैठा होगा वो डुगू? तेरे पापा ना अभी वो बच्चे आए बहुत ज़्यादा, नहीं इनके दिमाग में है खुरा पाती, जोर से झुलाएंगे ना मेरे को डर लगाएगा। मत कर यार। चलो आइसक्रीम खाने चले। चाबी ले ऊपर से। अब मुझे चाबी लेके आनी पड़ेगी, टाइम तो दिखा दो दुनिया को कितने बजे रहे ले। मेरे घर में तो वो चल रहा है, मेरे स्टेप्स चल रहे हैं। तुम बताओ टाइम कितना हो रहा है? 11:15 पे 11 बजे चले आइसक्रीम खाने। पक्का चलूं लेके आऊं गाड़ी की चाबी? चले चलो ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं आइसक्रीम खाने रात को 11 बजे। हाँ चक्कर लगा, चलो लगा लो तुम, राउंड लगा लो फिर चलते हैं। रंजा
रंजना सुनो, उधर देखो, उधर देखो, मुझे ना उधर दिखाई दिया है कुछ। क्या? वो जो ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, उधर ना एक लेडीज है सफेद साड़ी पहन के सच में दिखाई दे रही है मुझे। सच में कह रहा हूँ, सच में। जल्दी चलो, देखो तो मैं दिखाऊँ। तू चुपचाप से देखो, ये जो है ना, ये जो इधर है ना, ये इनमें खाली क्वार्टर्स में, सच में खाली क्वार्टर्स में कुछ दिखाई दे रहा है। देखो सफेद साड़ी, ये देखो 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 वो, नहीं नहीं, अरे यार चलो तो सही ना पागल, तो भैया को तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए ना, खाली पड़ा हुआ है। देखो 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 उधर ना, देखो मैं जूम कर रहा हूँ, देखो उधर सफेद साड़ी में, देखो इसमें, हाँ देखो देखो इसमें कैमरे में दिखाई दे रहा है, सच में देखो कैमरे में दिखाई दे रहा है, दे रहा है, हाँ कुछ तो है यार, कुछ तो है यार, मुझे लग रहा है कुछ है। नवीन सच में देखो देखो देखो, हिल भी रहा है, ज़ूम करो ज़ूम करो ज़ूम करो ज़ूम करो, देखना हिल भी रहा है। इसमें यार लाइट को जल रखी है, लाइट जली हुई है, वो तो खैर काम काज की वजह से, पर यार हिल भी तो रहा है कुछ। सफेद साड़ी पहन के दिखी थी मुझे तो, ये साड़ी तो कहीं नहीं दिखाई दे रही मुझे, तुम्हें तो हमेशा साड़ी ही दिखाई देती तुमको, हमेशा हर जगह साड़ी दिखाई देती तुमको, हिल कौन रहा है, कुछ तो हिला है यार वहाँ पे। यार तुम यार यहाँ पे क्यों ले आई हो तुम यार यहाँ पे, चलो मैं तो वॉक करने के लिए आई थी, अभी तक तो होना नहीं चाहिए, कॉलोनी है यहाँ पे, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे यहाँ पे। उधर कपड़े क्या है, दो थप्पड़ मार दूंगी मैं, उधर एक कपड़ा पड़ा हुआ, चलो धनिया यार मुझे तो खुद सही नहीं लग रहा यार, चलो यार रंजा चले यहाँ से है? ओ, वो साड़ी ले गया, डर लग रहा था और क्या, ऐसा ना हवा से वहाँ पे कपड़े उपड़े पड़े हुए ना, वो हिल रहे हैं तो उस वजह से थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। रात के 11:30 बज रहे हैं, सही बात है, कितने बज रहे हैं, 11:19 ये जो हमारी मंजिल पे है भूतनी की कपड़े सूख रहे होंगे, यानी तुम्हारे दोस्तों इन दोनों को चैन नहीं है। देखो टाइम हो रहा है 11:32 और इनको खानी है रात को, देख लो आप, आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, देख लो आप, आइसक्रीम खाओगे तो मैं, चलो देखो इनकी आइसक्रीम, हाँ भाई आइसक्रीम मिल गई, कुल्फी खा रहे हैं भाई, रबड़ी वाली कुल्फी, रबड़ी कुल्फी, ड्राई फ्रूट कुल्फी, और मेरी येरी मैं खाता हूँ कुल्फी, चलो फिर दोस्तों इसकी आधी टूटी हुई निकली, आधी आधी मैं रह गई मेरी, तो बात कर लो फिर, डग्गू तेरी गिर जाएगी बेटा, तू खा जल्दी बट्टी मेरी आधी टूट गई थी मैं ये तो है नहीं कहते कि इनर लॉट चेंज कर लो, मेरी खा लो, सुनो मेरे में चाट दिखा लो, मुझे खानी, हम कह को अब नाक में निकल लिए मेल्ट होती जा रही है। तो फ्रेंड जी रहो मेरी कुल्फी, कौन कौन खाना चाहेगा कमेंट में, कमेंट में कर दो, सबके पास ये वाली कुल्फी डिलीवरी कर देंगे, पता है अगर इसको नहीं खाऊंगी
तो ये मेल्ट हो जाएगी, इसको नहीं खाऊंगी तो ये मेल्ट रहेगी। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, दोनों खानी पड़ रही है साथ में। तुम लोग बात करो, मैं तो बड़ी तसल्ली से खा ली। हाय हाय टपो करी है। अरे देखो गंदेली। आय हाय आय हाय आय होए। बद्दू हेला दस वाले कबूतर, चॉकलेट वाला तो आता नहीं होगा। देखो तो दिवाली स्टोर है, अभी पेट नहीं भरा आइसक्रीम खा के, जूम नहीं हो रहा। तू कहाँ जा रहा है? डुक बैठो बैठो, अंदर बैठो, मोहिल अंदर बैठो। व्हाट हैपन, क्या हो गया? आइसक्रीम कहाँ है? तुम तो कह रहे थे आइसक्रीम लेने के, उसे कह रहे थे और मीठा खाने का मन कर रहा, तो लेके क्यों नहीं आए? मैंने कब कही? तुम बोल रहे थे उसको, मुझे सब सुनाई दे रहा था। मैं उससे पूछ रहा था कि बियर वाली आइसक्रीम आती है, वो है क्या? घोड़े की टट्टी वाली नहीं आती है आइसक्रीम? मेरी कुल्फी आ रही टूटी हुई थी, मैंने कहा लाऊं, कितना प्यारा इतना अच्छा पति मेरे लिए एक और आइसक्रीम लेने गए, ये तो बहुत चालू निकले एक नंबर के। फूटा हुआ सांस हूं मैं, मेरे लिए डुगू गाना गा रहा होगा। फूटा हुआ सांस भूत। देखो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ कोई नहीं है लिफ्ट में, कोई नहीं है लिफ्ट में, फिर भी ये आपत्तिजनक देख रहे हैं ना, भूत है इसलिए बार बार खुल रही है। देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये लिफ्ट के रास्ते में कोई भूत है, देख रहे हो? कोई भी नहीं है लिफ्ट में, फिर भी देखो इस लिफ्ट में क्या हो रहा है। रात के बज रहे हैं 12 और देखो, चलो यार यहाँ तो सच में कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। चलो चलो भागो 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 जल्दी, घर जा रहे हैं, हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ये भी हुई तो नहीं, ये सही है, कुछ ये भूत था। डुगू कितना डर लग रहा है, डुगू चढ़ देंगे। डुगू आपको डर लग रहा था? हाँ। डर के मारे दोनों चिप से पकड़ चिपका लिए इसने डर के मारे।